1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख विशेषताएं, इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर बाहरी नीतियां एवं देशी राज्यों से संधि विग्रह आदि विषयों में उसके अधीन कर दिए गए। बिना उसकी स्वीकृति के अब विदेशी राज्यों से संधि विग्रह नहीं कर सकते थे, परंतु आपत्ति काल में गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति के बिना भी संधि विग्रह आदि करने का उनका अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक काउंसिल का गठन भी इस एक्ट के अनुसार कर दिया गया। इस काउंसिल में गवर्नर जनरल के अतिरिक्त 4 सदस्य थे। इन सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का था। गवर्नर जनरल का वेतन 25,000 पाउंड प्रतिवर्ष तथा सदस्यों का वेतन 1,000 पाउंड प्रतिवर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बने तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। इन सब की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार ने स्वयं कर दी थी, लेकिन भविष्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होने का नियम रेगुलेटिंग एक्ट में रखा गया था। इसके अतिरिक्त एक्ट के अनुसार अब कंपनी के सैनिक एवं राजनीतिक शासन की सविस्तर सूचना भी संचालकों यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भेजनी होती थी। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसके अनुसार मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके मुख्य न्यायाधीश पहले सर एलियाज एम्पे थे। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 8,000 पाउंड एवं अन्य न्यायाधीश का वेतन 6,000 पाउंड वार्षिक निश्चित किया गया। कंपनी का कोई भी कर्मचारी बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार नहीं कर सकता था एवं ना तो किसी से भेंट या उपहार की ग्रहण कर सकता था। गवर्नर जनरल की काउंसिल में समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर किए जाते थे। गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था।